अल्लाम वरम्बरक़ अवज़बिल्ल अबिन शैतानीम बसमबर तस्वफ़ पर लिखी हुई किताब इकमालशियम पर गफ्तु कर रहे हैं उससे सबक हासिल कर रहे हैं आज आठवें बाब के एक और टॉपिक पर गुफगू करेंगे और वो है तारक दुनिया और महब दुनिया और इनका हमल इस जगह पर मुनफ़ साहब परमाता है जो तारक जो अमल की दुनिया के कल्ब से हो वो तोड़ा नहीं और जो अमल दुनिया के हरीस ख़ुदा तला से गाफिल के कल्ब से हो वो ज़्यादा नहीं जब तक इंसान के अंदर हब्ब दुनिया और जाग का गलबा रहता है उसकी नेक आमल के अंदर अखलास पैदा नहीं होता अगराज़ दुनियावी और नफसानी ख्वाहिशात हर जगह और अर अमल में अपना गलबा और जोर दिखाती हैं और कबूलियत अमल की दरगाह इलाही में उस वक्त है जब अमल इन आफतों से खालस हो ऐसा शख़्स अगर नमाज भी पढ़ता है तो उसमें भी नफ्स को नफ्स कोई गरज दुनियावी शामिल कर देता है और जिस बंदे पर फजल हो जावे और नफ्स हब दुनिया और हब जा के गलबे से पाक हो जावे उसका अमल ही ख़ा दिन का हो या दुनिया का वो अखलास पर मवनी होता है और मनशा उसका होती है इसलिए कि दुनिया तो दिल से निकल ही जाती है बस तारे के दुनिया जो अमल करे अगर अगरचे वो मकदार में कम हो मालूम हो कम मालूम हो वो तोड़ा नहीं है इसलिए कि गो मकदार में कम है मगर चूंकि उस अमल के अंदर मगज़ और रूह मौजूद है इसलिए अल्लाह के नज़दीक मकबूल है और बहुत ही बहुत है और दुनिया का हरीस और जिसका दिल अल्लाह से गाफिल है अगर चे जा में बड़े बड़े अमाल नहीं करे लेकिन चूंकि मनशा उन अमल का अभी तक सही नहीं हुआ और कल्ब के अंदर रोग मौजूद है इसलिए वो बहुत नहीं है इसलिए कि आज़ाद मिसल रिया उतना व अगराज नफसानी व शैतानी से सेगज़ ख़ाली नहीं गोया शख्स ये शख्स गो ये शख्स खाली समझे बस काबिल और फ़िक्र कल्ब से मासवा अल्लाह को निकालना और कल्ब को तस्वीया व तज़किया हुआ ताकि उसके बाद जो अमल भी हो या मगज़ और रूह लिया हो अगर अगरचे अमल कम है लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि इन आजाद की वजह से अमल नेक को तर्क न करना चाहिए इसलिए कि न करने से तो फिर बहरहाल करना बेहतर है और नेज यही नेक अमल कुशां अखलास तक भी पहुंचा देगा इस जगह पर मुन साहब फरमाते हैं कि वो बंदा जो तरक दुनिया कर चुका है उसके उसका अमल अगर तोड़ा है लेकिन वो तोड़ा नहीं है और वो बंदा जो दुनिया की रंगरलियों में फंसा हुआ है अगर वो बंदा बहुत ज़्यादा अमल करे नेक अमल करे या अल्लाह की जिक्र में मशगूल रहे वो ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं है इस जगह पर मुसनम साहब के कहने का मकसद ये है कि अखलास के बारे में बात कर रहे हैं खलूस के बारे में बात कर रहे हैं इश्क के बारे में फरमा रहे हैं कि यानी आपकी नीयत आपका अखलास कितना ज़्यादा है उसकी परसेंटेज क्या है उसी हिसाब से आपके अमाल को मार्क्स मिलेगी अगर आप एक छोटी सी अमल करते हैं लेकिन चूंकि आपकी नीयत में वो खलूस बहुत ज़्यादा है रज़ालाई की खातिर वो आप कर रहे हैं तो वो अमल उस अमल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो कि इंसान नकमल करता है लेकिन चूँकि उसके पीछे उसके अपनी नप्स की कोई छाल है वो नप्स उसको इसलिए ये नकमल करने पर मजबूर कर रहा है कि ये नकमल करो इस नीयत से करो कि आपको इज़्ज़त मिलेगी किसी की हेल्प करोगे वो उसके दिल में आपके लिए इज्जत होगी अगर अल्लाह पाक की ज़िक्र करोगे उसकी ताबेदारी करोगे तो आप ख़ास बंदे जाने जाओगे लोगों में आपकी इज्जत होगी तो ये बंदा अगर ज़्यादा भी ज़्यादा अमल करेगा लेकिन वो अमल कम मार्क्स ऑपटेन कर लेगा क्योंकि उसमें खुलूस उसमें रज़ा इलाही वाला जो ख्याल है वो बहुत कम है उसमें वो रज़ा इलाही वाला जो नीयत है वो बहुत कम है तो इस जगह पर मौसनम साहब वदी इस पाक की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि इन नमला अमाल नीयत यानी तमाम अमाल का जो दार मदार है वो नीयत पर है तो तार की दुनिया से मुराद मुरादरगज ये नहीं है कि आप जो है घर बार बच्चे सब छोड़ छाड़ के कहीं किसी कोने में जंगल वगैरह में जा के बैठ जाए और उधर अल्लाह अल्लाह करें तार की दुनिया से मुराद ये कि आपके जो आपका जो ख्याल है उस पर आपके दुनियावी सोच गालिब नहीं हो आप की जो प्रायोरिटीज़ हैं उन प्रायोरिटीज़ में आपकी जेन आपका जैन सिर्फ़ अर्निंग पर या आपका जैन सिर्फ़ इस दुनिया में शोहरत हासिल करने पर आपका जैन सिर्फ़ इस दुनिया की ज़िंदगी को एंजॉय करने पर बंदा नहीं होना चाहिए बल्कि आपका गालिब ख्याल अल्लाह की रज़ा अल्लाह के खुशनुदी और इश्क रसूल में होना चाहिए फिर भले अब इस दुनिया में दुनियावी अपने सारे काम भी कीजिएगा तो दुआ कर अल्लाह पाक हम सबको तार के दुनिया वाले ख्याल दे दें आमीन दुआ में याद रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़